ईरान की राजधानी तेहरान में एक 15 मंजिला इमारत देखते ही देखते जमीन दोज हो गई। दरअसल इस बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी, लेकिन जब आग बुझाने की कोशिश की गई उसी दौरान यह बिल्डिंग धराशायी हो गई। इस भयानक हादसे में अब तक 30 दमकल कर्मियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। चंद मिनटों में धड़ाम हुई इस बहुमंजिला बिल्डिंग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग ढह गई। बताया जा रहा है कि करीब 100 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां हादसे के दौरान मौके पर मौजूद थी और 200 कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान यह बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। आपको बता दें कि यह इमारत 1960 में बनी थी, जिसमें शॉपिंग सेंटर्स के अलावा अन्य दुकानें भी थीं। तो शहर की सबसे पुरानी बिल्डिंग आज ढह गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। देखते रहिए डीबी लाइव।